पिता परमेश्वर, हम हृदय की गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं और ये प्रार्थना करते हैं पिता कि जब हम आपके वचनों को सीखें तो आपका वचन हमारे जीवन के अंदर बल और सामर्थ्य के साथ में कार्य करें और आपका वचन प्रभु हमारी जिंदगियों में अंदरूनी तलछटियों तक उतर जाए ताकि जो बातें भेद से भरी हुई हैं उनको हम जानें और उसको अपनाएं ताकि इच्छा और मर्जी परमेश्वर आपकी ही पूरी होने पाए। आपने कहा तुम मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, आपसे आपकी दया चाहते हैं और पवित्र आत्मा का दोनों भाग चाहते हैं, उस बुद्धि को चाहते हैं जिसके आने से परमेश्वर वचन खूबसूरत होता है, वचन कार्यरत होता है, वचन हमारी जिंदगियों को आशीषित करता और बदलता है। अपनी दया करिए, बड़ी बरकत दीजिए, उपस्थित सब लोगों के साथ रहिएगा ताकि ये वचन हमारे जीवनों के अंदर आकर के हमारी जिंदगियों को आशीषों से भर दे। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जमायत भवानी से अपने स्थान पर बैठ जाए। प्रभु यीशु के जीवित समर्थी जलाली नाम में आप सबों को जय यीशु मसीह। प्रभु को महिमा मिले हर एक बात के लिए, हर एक आशीष जो उसकी तरफ से और उसकी ओर से आती है, क्योंकि हर एक अच्छी वस्तुओं का स्रोत सुना वो में एक विशेष कार्य की ओर इंगित करते हैं, इशारा करते हैं। आज जिस विषय के ऊपर हम और आप मनन करने जा रहे हैं वह है रिफॉर्मेशन संडे, एक ऐसा रविवार जिसके अंदर हम कुछ लोगों के अंदर की भावनाओं को समझ करके अब परमेश्वर की इच्छा को जानते हुए एक ऐसे आंदोलन में जुड़ जाते हैं जिसको करके हमारी जिंदगी के अंदर शांति मिलती है और उसका हमारे जीवन के अंदर होना और उसको ग्रहण करना मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी और अनिवार्य है। आपने देखे होंगे बहुत सारे लोगों को जो आंदोलनकारी होते हैं, जो बात उनको पसंद नहीं आती उसके लिए वो आंदोलन करते हैं। ऐसे ही एक ऐसा मनुष्य जो खुदा के कलाम से बहुत प्यार करता था, बहुत अच्छे से प्रभु के वचनों को पढ़ता था, बहुत गहराइयों में जाता था, लेकिन कुछ ऐसी बातें जो खुदा के कलाम की थी उसे पसंद नहीं आती थी जो रोमन कैथोलिक किया करते थे। उसका नाम था मार्टिन लूथर। क्या नाम था? मार्टिन लूथर। 31 अक्टूबर 1517 में ये मार्टिन लूथर एक जबरदस्त बदलाव को लेकर के आया। तैयारियां करता रहा करता रहा करता रहा, जो अच्छा नहीं लग रहा था उसको लिखता गया, जो परमेश्वर के वचन से बाहर था उसको नोट करता गया, जो परमेश्वर की अगुवाई में नहीं था और हो रहा था चर्चेस के अंदर उसको लिखता चला गया। और 31 अक्टूबर 1517 के अंदर वो 95 पॉइंट्स लेकर के उसने पूरी रीति से चर्च के दरवाजे पर लगा दिए और एक बड़ी जंग उसने छेड़ी, तमाम उन अधिकारियों के विरुद्ध, तमाम उन अनुयायियों के विरुद्ध, तमाम उन धर्म गुरुओं के विरुद्ध जिनका काम सिखाने का था और सिखाते थे और जो वो सिखाते थे उनको ऐसा लगता था कि वो सही सिखाते। लेकिन ये कैसा बंदा था जिसको परमेश्वर तैयार कर रहा था,
आत्मा में कि ये उस परमेश्वर की खिदमत को अंजाम दे जो सही है और जो सच्ची है उस दिन और उस वक्त और उस समय काल में। लोग उसे बुरा विरोधी वचन के विरोध में चलने वाला अधिकताओं और अधिकारियों के विरोध में जाने वाला परमेश्वर के वचन की अवहेलना करने जैसा जान पड़ा होगा उन दिनों में। लेकिन आज की तारीख में मैं और आप बड़े खूबसूरत ढंग और अंदाज में उसके नाम को अपने मुंह से बोलते हैं, मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर ने जो काम करा उसके चलते जो भी बातें उसको समझ में नहीं आई परमेश्वर के वचन के अनुसार जो खुदा के रूह ने उसको बताया उसके लिए उसने प्रोटेस्ट किया। क्या किया? प्रोटेस्ट किया, विरोध किया। तब से लेकर के आज तक मैं और आप प्रोटेस्टेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रोटेस्टेंट। क्रिश्चियन है लेकिन जानकार लोग पूछते हैं आप आरसी हैं या प्रोटेस्टेंट हैं। पढ़े लिखे लोग पूछते हैं आप प्रोटेस्टेंट हैं या रोमन कैथोलिक हैं। तो मैं और आप क्या बताते हैं? प्रोटेस्टेंट। अब सिर्फ हमको इतना पता है कि हम प्रोटेस्टेंट हैं, हमको यह नहीं पता कि वो बातें कौन सी थी। जो 95 बातें चस्पा कर दी गई थी उस दरवाजे पर, उस गेट के ऊपर, उस मंदिर के बड़े दरवाजे के ऊपर, क्या वजह थी, क्या कारण था, विरोध क्या था, अपोज क्या था, किस बात को लेकर के प्रोटेस्ट किया गया था, उसकी गहराइयों को करते करते उस समय लोग तो जानते थे कि उन्होंने सब पढ़ा होगा, करते 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 रिकॉर्ड में मेंटेन है लेकिन हमारे दिमागों से धूमिल हो चुकी, हमारी जानकारियों में नहीं कि वो क्या था। ऐसी कौन सी बातें थी जिसके लिए मार्टिन लूथर ने एक बड़ा अभियान चलाया और आज की तारीख में मैं और आप उसके अभियान के एक बड़े हिस्से और अंग हैं। और मैं और आप आज की तारीख में प्रोटेस्टेंट कहलाते हैं। कौन से क्रिश्चियन? सही क्रिश्चियन। क्योंकि उस समय कुछ गलत हो रहा था, मूर्ति पूजाएं हो रही थी, परमेश्वर के अलावा लोगों को माना जा रहा था, संसारिकता की हर एक बातें उनके साथ थी और आत्मिक बातों को भी वो किया करते थे। दोनों का समन्वय था, दोनों बातें एक साथ चल रही थी। आज के शब्दों में यदि कहा जाए तो दो नावों पर पैर रखे हुए थे जिस चीज को देखते हुए मार्टिन लूथर के अंदर एक बोझ पैदा हुआ, एक कटुता उसके अंदर आई कि हम कर क्या रहे हैं, ये क्या है, ये सिखा क्या रहा है, ये बता क्या रहा है, प्रभु हमको कहां ले जाना चाहता है और हम कर क्या रहे हैं। एक व्यक्ति के दिमाग के अंदर ये बात आई और उस व्यक्ति ने, मैं सोचता हूं कि एक टीम तैयार की होगी, उस टीम के अंदर भी काफी विचार विमर्श किए होंगे, बहुत सारी बातें होंगी, विरोध हुआ होगा, अरे छोड़ो क्या करना। लेकिन आज की तारीख तक उसका डेट, उसका ईयर मेंशन है कि उसने क्या काम किया था। मेरे प्रिय, कई बार हमसे और आपसे भी बहुत सारी चीजों में और बहुत सारी बातों में मिलावट हो जाती है। हम प्रभु के वो सटीक अंग नहीं बन पाते जिसकी अपेक्षाएं कभी परमेश्वर ने और आज की तारीख में भी परमेश्वर ने मुझसे और आपसे की है। यदि हम उसकी उस बड़ी सेविका के एक सच्चे भाग बन जाएं तो मैं ये सोचता हूं कि परमेश्वर का राज सही अंदाज में लोगों के पास पहुंचेगा और सामने वाला व्यक्ति सही चीजों को स्वीकार करेगा।
मेहराब बड़े अच्छे से, जब टीचर अच्छे से नहीं पढ़ाता तो हम और आप उसकी गलतियों को ध्यान में रखते हुए उससे बोलते हैं कि ये आपकी कमी है, और अपने उन संतानों को उनके पास से निकाल लेते हैं, हटा लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से आज यदि हम धार्मिक गुरु और हम और आप मार्टिन लूथर की उन बातों को ध्यान रखते हुए कि उन्होंने कौन सी बातें कही वचन के अनुसार और हमको कैसे चलना चाहिए, क्योंकि इस बात का हम खंडन करते हुए आए हैं, तो हम सही रास्ते पे चलना शुरू कर देंगे। क्या आज मसीहत के अंदर मिलावट नहीं आ गई? हम अपने प्रभु के लोग, जिनके खुदा ने, जिसके परमेश्वर ने कलवरी क्रूस के ऊपर से उस रक्त को बहा करके मुझको एक स्वतंत्रता की जिंदगी दी, लेकिन उस रक्त को हम ध्यान न रखते हुए हम जब संसारिक लोगों के फेस्टिवल आते हैं उनके रंगों में कहीं ना कहीं जुड़ जाते हैं। ये कमियां हैं, कंप्रोमाइज ना करें। रक्षाबंधन आता है उसमें भी हम अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं। खुदा के हाथों में पड़ना भयानक बात है, खुदा का कलाम कहता है। अभी एक लेटेस्ट फेस्टिवल गुजर गया, मुझे अफसोस इस बात का कि मैंने ऐसे लोगों को देखा। मैं बता इसलिए रहा हूं ताकि आपको और मुझको मालूम हो जाए कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियां हमारे जीवन से हो तो नहीं रही है। किसी का उदाहरण किसी की जिंदगी को आशीर्वाद कर सकता है। अभी जो एक हिंदू फेस्टिवल किया जो लेडीज का होता है, मैंने बहुत क्रिश्चियनों का इन्वॉल्वमेंट उसके अंदर देखा और बकायदा फेसबुक के अंदर उनके सेलिब्रेशंस को देखा। क्या आप बिलीव करेंगे? आप भी जानते होंगे, आपने भी देखा होगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई पार्ट उनका इन्वॉल्व है। वो चाहते तो दिल से हैं लेकिन वो पूरी रीति से खुल के नहीं आ पाते, लेकिन कुछ लोग बहुत खुल करके अपने परमेश्वर के इस कलाम के विरुद्ध जाकर के काम कर रहे हैं। इसके लिए परमेश्वर ने खास हमको और आपको मना किया। यही सारी चीजें थी आंदोलन उस समय। त्रियता के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे थे, परमेश्वर की मृत्यु के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे थे, कई चीजों को मान नहीं थे। आपको मालूम है कि यीशु मसीह की मृत्यु को स्वीकारा नहीं जा रहा था, लेकिन मार्टिन लूथर विरोध करके सामने आया। खून बहाया जब यीशु मसीह ने, वो एक यादगारी मेरे रब के लिए, जी उठा मेरे लिए अपनी यादगारी, आज फिर आने वाला है। तो मैं और आप उसको कौन सा चेहरा सामने दिखाएंगे? अभी मैं घर में गया और मैं इसलिए बोलता हूं कि छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीजें शायद हम ना कर रहे हो, कहीं धोखे से कल हम उसके एक हिस्से ना बन जाएं। इसलिए बताना मेरा कर्तव्य और फर्ज है। एक घर में मैं दुआ के लिए गया, माफ कीजिएगा, मेमोरियल सर्विस थी, और मेरी आधी प्रीचिंग निकल गई थी मेमोरियल सर्विस में, आधी प्रीचिंग, क्योंकि पहली बार मैं उस घर के अंदर गया। और इत्तेफाक से मेरी नजर उनके घर के मेन दरवाजे पे चली गई। वहां पर हरी मिर्चा और नींबू टंगा था और ये लिखा था, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। ये मैं क्रिश्चियन फैमिली की बता रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं कि भविष्य में कभी कोई ऐसा हमारी जिंदगियों में ना हो जाए। हम बेशक मजबूत हैं लेकिन कोई ना कोई चीज हल्की रह जाती है। और फिर मुझसे सहा नहीं गया, मैंने बोला बड़ा स्पष्ट अंदाज में, मां बहुत क्रिश्चियन बैठे थे, लोगों को फील हुआ होगा, बुरा लगा होगा, और मैंने बड़ा स्पष्ट बोला कि यदि आप ये काम करके अपने घर में दुआएं रखवा रहे हो तो आप अपने आप को और अपने खुदा को बहुत धोखा दे रहे हो। जिसके ऊपर खुदा की नजर लग गई
उसके ऊपर दूसरी नजर कैसे लग सकती है? इसका मतलब कि आप अपने विश्वास में बहुत कमजोर हैं, इसलिए आपको इन सारी चीजों की जरूरत और आवश्यकता है। जिस खाद्य पदार्थ को आप खाते हो उस खाद्य पदार्थ से आप अपनी नजर सोच रहे हो कि आपका घर बच जाएगा, असंभव। ऐसे लोग परमेश्वर को जो धोखा दे रहे हैं, परमेश्वर के राज्य के हिस्सेदार नहीं बन सकते। दोबारा आप बुलाएं या ना बुलाएं, ऐसा करके मैं माफ प्रीच करके आधा परिवार नॉन क्रिश्चियन के साथ में, आधा परिवार क्रिश्चियन के साथ में, ये एक बड़ा मसला है कृष्णगढ़ी के अंदर, जिसको मैं यहां आने के बाद देख रहा हूं। आधे लोग किसी और चर्च के, आधे लोग किसी और चर्च के, आधे लोग किसी और चर्च के, फायदा उठाने के लिए चर्च में है क्या? चर्च क्या है? इसका मतलब हम चर्च ही नहीं जाने। हम हमारे घर के बुजुर्गों का, हमारे घर के मुखिया का कोई अधिकार घर के ऊपर नहीं है। जब घर के ऊपर अधिकार नहीं है तो हम आगे क्या सोच सकते हैं कि हम किसी को अपने जीवन से, अपने शब्दों से मोटिवेट कर सकते हैं? एक हिंदूस में, एक पंजाबी में, और उस पर माफी मांग रहे हैं। ये अफसोस का विषय नहीं है। हमारा फिर जड़ जो थी, हमारी खुदा के कलाम का जो जड़ है, जब बपतिस्मा होता है, जब कन्फर्म होते हैं दृढ़ीकरण के लिए, इसी के 12 साल की उम्र में आते हैं और 15-16 साल की उम्र में कई और हम विवाहों को रचा लेते हैं, और फिर इसके भी बने रहना चाहते हैं और उधर भी बने रहना चाहते हैं। फिर बड़े होकर के इतने एडवांस हो जाते हैं कि हमको वो रोकते नहीं, और वो हमको रोकते नहीं, हमारे घर के अंदर दोनों काम चलते हैं। माफ कीजिए, क्या ये कड़वा सत्य हम अपनी संतानों को ना सिखाएं, अपने परिवारों को ना दें? ये सच्चाइयां हैं। ऐसी बहुत सारी बातों के लिए जब मार्टिन लूथर ने विरोध करा तो बहुत सारे लोग उससे नाराज हो गए, क्योंकि वो उनके जीवन के ऊपर डायरेक्ट आघात हो रहे थे। हम बड़ा इजी लेते हैं क्रिश्चियनिटी को, बहुत हल्के में, बहुत हल्के में। मालूम है क्या, मैं और आप परमेश्वर के शिकंजे में नहीं है। मैं और आप कहीं ना कहीं उस दुष्ट के आगोश हो जाते हैं और वो हमको फुसफुसाना शुरू करता है और परमेश्वर के विरोध लेकर के जाना शुरू करता है। उसको कोई दिक्कत नहीं कि आप सब चर्च आए, उसको दिक्कत इस बात की है कि मेरे और आपकी लाइफ के अंदर, मेरे और आपके जीवन के अंदर यीशु का करैक्टर ना घुस जाए। जिस दिन यीशु का कैरेक्टर मेरी लाइफ के अंदर घुस गया ना, उस दिन दुनिया की ताकत और शैतान मेरे और आपको, मेरे और आपके विश्वास को हिला नहीं सकता। आमेन। लेकिन आज तक बड़ी दुख की बात है कि वो जो करना चाहता है वो कर जाता है, हम मसीह के होते हुए भी उसके नहीं हो पाते। ऊपर ऊपर से हम मसीह के होते हैं लेकिन अंदर अंदर से हम मसीह के नहीं होते। इसीलिए बाइबल क्या कहती है, ऊपर से तो तुम अपने आप को क्या करते हो, मांगते हो, लेकिन अंदर का भाग क्या परमेश्वर ने नहीं बनाया? इसको मांगना भी हमारा और आपका कर्तव्य बनता है। जब हम पवित्र भोज में शिरकत करते हैं, बपतिस्मा लेने के लिए आते हैं, यह भोज हमको क्या याद दिलाता है? प्रभु यीशु मसीह का क्रूसिफिक्शन, पांच जगहों से खून की धार मेरे और आपके लिए बह रही है। बड़ा आसान है प्रचार करना, किसी से बोलो आकर के प्रचार कर दो, बड़े मजे से बता देगा। गुड फ्राइडे में लोगों को मौका मिलता है, मस्त बताते हैं। लेकिन उस दर्द और उस पीड़ा को, और वो था किसके लिए, उसकी गहराइयों को जानना मेरा और आपका फर्ज, उसके अंदर घुसना मेरा और आपका कर्तव्य, उसकी बारीकियों को जानना मेरे और आपका फर्ज। आया कौन है? खुदा आया है स्वयं बलिदान होने के लिए, कोई और नहीं आया। जब किसी की मेमोरियल सर्विस होती है, मैं भी पीछे था विकास नगर में, तो इत्तेफाक से मेमोरियल सर्विस में प्रीच करने का मौका मिला।
तो मैं लोगों को बताने की कोशिश कर रहा था कि हमको और आपको ये चीज समझनी है कि हम जब मर जाते हैं, मेरी आत्मा मेरे इस शरीर से निकल जाती है, तो फिर मैं अपने आपे में नहीं रहता, मैं धरती पर पड़ा हुआ रहता। और आज की तारीख में मैं और आप उनको याद कर रहे हैं जो हमारा अजीज चला गया, और ये दुआ कर रहे हैं कि प्रभु उनकी रूह को अपने पास रखना। यही तो दुआ होती है, उनकी रूह को अपने पास में रखना और एक्चुअल में उस प्रभु को, उस यीशु को जिसने वचन के द्वारा मुझको और आपको संभाला और बनाया। लिखा आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था और वचन देधारी हुआ। देधारी कौन हुआ? इमानुएल। तुम उसका नाम क्या रखना? इमानुएल रखना, यीशु रखना, परमेश्वर हमारे साथ है। और वही इमानुएल आदि में शुरुआत में परमेश्वर वचन बोलता गया। परमेश्वर क्या कर रहा है? वचन बोल रहा है और सारी सृष्टि का निर्माण हो रहा है। जो वो बोल रहा है, जो बोल रहा है वो वचन है। वचन कौन है? यीशु है। यीशु वहां पर आरंभ में वहां पर है। जो वो बोल रहा है वो वचन है। वचन परमेश्वर और वचन ही देदारी हुआ। देदारी कौन हुआ? यीशु। यानी कि जो वो बोल रहा है वो यीशु है और यीशु जो वो बोलता जा रहा है काम होता जा रहा है। इसीलिए इब्रानी की पुस्तक उसके पहले अध्याय के दूसरे पद में लिखा है, बगैर उसके कोई भी चीज रचित नहीं हुई। सारी चीजों की रचना उसके द्वारा। इतना गहरी बातें, गहरा भेद जो वो मुझको और आपको देता है, और उस वचन के द्वारा मैं और आप संभाले जाते हैं। इसी वचन को जब हम ग्रहण कर लेते हैं, अर्थात यीशु को अपने अंदर ले लेते हैं, तब जा करके हम बच पाते हैं। यीशु को ग्रहण करने का मतलब, वचन को ग्रहण करने का मतलब, यीशु के करैक्टर में घुस जाना। वो प्रेमी परमेश्वर है, हमारा ऊपर है, हम करैक्टर में नहीं घुसते। इसीलिए आज शैतान बड़ी आसानी के साथ में चुटकी बजाते मुझको और आपको क्या कर देता है? बर्बादी की ओर ले जा सकने में सक्षम हो रहा है। मार्टिन लूथर ने इसी बात का आंदोलन करा कि मेरा परमेश्वर का बहाया गया लहू, क्रूसिफिक्शन, सब खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। कुछ करना है, एक उसके अंदर एक आग ऐसी पैदा हुई कि रुका नहीं हो, कुछ करके गए। एक ऐसी याद, लोगों ने कितना विरोध करा होगा मार्टिन लूथर का, मैं इस बात को समझ पा रहा हूं, इतना विरोध, लेकिन फिर भी वो उस अपनी आग की ज्वाला और उस वचन की सच्चाई को लेकर के बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, और करते 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 आज मैं और आप प्रोटेस्टेंट पर करके बैठे हुए। अन्यथा मरियम की फोटो बीच में होती, यीशु मसीह को गोद में ले हुए, और लोग उसके सामने झुक रहे होते, और जब वो किसी बिल्डिंग का, किसी चीज का निर्माण करते हैं, कई बार मैंने बाइबलों को दबाते हुए देखा है जमीन के नीचे, कई बार मैंने तरह तरह की चीजों को करते हुए देखा, अज्ञानता उनकी जिंदगी के अंदर पाई जाती है। एक क्रिश्चियन फैमिली ने मेरे को दुआ के लिए बुलाया और कहने लगे, भाई साहब हमारे घर के अंदर बहुत ज्यादा इविल स्पिरिट्स, आप दुआ करिए। और भाई साहब मैंने इस घर के अंदर अपनी जमीन में अपनी बाइबल बांध रखी है। आप सोचिए, वो वचन लोगों को बांटने के लिए दिया गया, वो जमीन के अंदर दबा दिया गया। ये अज्ञानता नहीं तो और क्या है? ना समझी में कुछ गलतियां हमसे भी जाती होंगी। कहते घर की चौकट के बीचों बीच हमें लगा रखा है, इसका मतलब जब हम चौकट से चल के आते हैं तो खुदा का कलाम हमारे पांव के नीचे होता है। ये अज्ञानता, और अपनी बुद्धि के सहारे हम हर काम करते हैं, सोचते हैं कि बहुत अच्छा हो। मेरे प्रियो, ये दुखद है, ये दुखद है और अफसोस की बात है। इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है, इसके 33 वर्स को मैं पढ़ रहा हूं, लूका 11 उसका 37 पद लिखा है, शास्त्रियों और फरीसियों की भर्त्सना, ठीक है ना, उनको बुरा भला कहा जाना। जब वो बातें कर रहा था तो किसी फरीसी ने उससे विनती की कि मेरे यहां भोजन कर। वो भीतर जाकर भोजन करने बैठा। फरीसी को यह देखकर अचंभा हुआ कि उसने भोजन पर से पहले स्नान नहीं किया। प्रभु ने उससे कहा, हे फरीसी,
तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मानते हो, परंतु तुम्हारे भीतर अंधेर और दुष्टता भरी है। निर्बुद्धियों, हे निर्बुद्धियों, जिसने बाहर का भाग बनाया, क्या उसने भीतर का भाग नहीं बनाया? हमको धोना तो आ गया बाहर का पोर्शन, लेकिन अंदर के पोर्शन को धोया कैसे जाए, वो नहीं आ पाया। जो चीजें समाज ने सिखा दी वो हमने सीख ली, जो चीजें पवित्र आत्मा सिखा रहा है वो नहीं सीख पा रहे, क्योंकि अभी यीशु हमारे करैक्टर के अंदर या हम यीशु के करैक्टर अंदर घुस नहीं पा रहे। इसलिए जो संसार सिखाता है वो हम सीख लेते हैं, जो पवित्र आत्मा सिखाता है वो नहीं सीख पा रहे। इसलिए अंदर का सिस्टम मांझ नहीं पा रहे और अंदर का सिस्टम धो नहीं पा रहे, इसलिए अशुद्धता भरी हुई है। इसलिए गुनाह और इसलिए पाप बड़ी फ्रीक्वेंटली हमारे जीवन से होते चले जाते हैं, जिसके लिए हमारे जीवन के अंदर कभी भी पछतावा नहीं रहता। इसीलिए बाइबल हमको इस बात को सिखा रही है, हे निर्बुद्धियों, जिसने बाहर का भाग बनाया, क्या उसने भीतर का भाग नहीं बनाया? परंतु हां, भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। भीतर वाली वस्तुओं को क्या कर दो? दान कर दो। अपने मन को क्या करो? प्रभु को सौंप दो। अपने हृदय को प्रभु को सौंप दो, सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। सोच सकारात्मक हो जाएगी, आंख शुद्ध हो जाएगी, हृदय साफ हो जाएगा, मन साफ हो जाएगा, किसी के प्रति किसी के लिए भी कोई भी बुराई मन के अंदर नहीं है। लेकिन हमको सिस्टमैटिक करने के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने जब वो आराधनालय में एंटर हुए, यरूशलेम में आए, और उस यरूशलेम के अंदर आने के बाद जब उन्होंने वहां के हालात देखे कि इस भवन को जाकर प्रार्थना होनी चाहिए, उस स्थान को उन्होंने क्या बना दिया? डाकुओं की खो, कबूतर बेचे जा रहे हैं, चीजों का दान प्रदान हो जा रहा है, हर टूट फूट जानवर वो सब स्वीकार किया जा रहा है, क्योंकि बलिदान के अंदर ये नियम था, बलिदान के अंदर शुद्ध जानवर, बगैर ऐब के जानवर, बगैर टूटे फूटे जानवर, किसी प्रकार का कोई भी दोष उन जानवरों के अंदर, ऐसे जानवरों को बलिदान के लिए लाया जाता था। लेकिन वहां पर पैसों का एक्सचेंज हो रहा है, वहां पर जानवरों की बेचाबाची हो रही है, टूटे फूटे ऐबी दोषी हर प्रकार के जानवर अंदर जाते हैं और बाहर आ जाते हैं, सब कुछ गड़बड़। इसीलिए उसको सिस्टम में लाने के लिए, उसको सुधारने के लिए प्रभु को एक बार क्या करना पड़ा? चाबुक चलाना पड़ा, उनको बोलना पड़ा, उनको कहना पड़ा कि तुमने परमेश्वर के घर को क्या बना दिया? डाकुओं की खो, और तुम परमेश्वर का मंदिर हो, और इस खो के अंदर भी बहुत सारी चीजें ऐसी पड़ी हुई हैं जिसको निकालने के लिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को दिया कि हम उसकी शिक्षाओं को जानते और ग्रहण करते हुए अंदर की हर एक उन चीजों को, हर एक उन बातों को जो बुराइयों के तौर पे जो परमेश्वर को दिखती है उसको निकाल के बाहर करें। मालूम है बाइबल इस बात बताती है, वो जवान व्यक्ति आपे में आया, कौन सा? जो मुसरी बेटा था। क्या हुआ? जब वो पाप कर रहा है तो उसको कुछ नहीं सूझ रहा, जब वो घर छोड़ रहा है तो उसको कुछ नहीं सूझ रहा, जब अपने बाप की प्रॉपर्टी से अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा ले लिया तो उसको कुछ ही याद नहीं आ रहा कि वो पाप कर रहा है, और जब वो बिल्कुल अप टू डेट बन करके घर से निकला ना, मस्त सूट पहन करके, परफ्यूम डाल करके, सब कुछ करके, सारा प्रॉपर्टी का हिस्सा लेकर के अपने भाग का लेकर चला गया, एक दिन खाली हो गया, तब वापस लौट गया, सूट नहीं था, परफ्यूम की खुशबू नहीं थी, गंध सड़ांग आ रही थी उसके शरीर से, क्योंकि एक ऐसा जानवर जिसको लोग पसंद नहीं करते उस जानवर के खाने को उसको खाना पड़ रहा था, उनके बीच में रहना पड़ रहा था, तो वो स्मेल उसके अंदर थी। लेकिन बाप ने ये नहीं कहा, रुक जा पहले नहा के फिर गले लगेंगे। लेकिन वो बाप ऐसा है कि हमारे पापी जीवन को जब लेकर के उसके पास आते हैं वो गले लगा लेता, ऐसे ही लगाता है वो हमसे, किसी भी प्रकार का कोई भी घृण नहीं करता, किसी भी प्रकार की कोई नफरत नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो हमसे प्यार करता, हमारा बाप। ठीक उसी प्रकार से आज स्वर्ग का पिता हमारे अंदर यदि कोई चीज ऐसी पाई जाती है तो उसको दूर करें, वो ऐसे ही घृण करता है।
पूछा तू प्रॉपर्टी लेके गया था ना, अब उसका हिसाब दे। पूछा क्या बाप ने बाइबल के अंदर कहीं लिखा? कोई हिसाब नहीं मांगा। बाइबल भी हमको इस बात को सिखाती है कि यीशु हमसे कोई भी हिसाब नहीं मांगेगा कि तूने बीते दिनों में अपनी बीती मसीहत के अंदर क्या क्या किया। वो हिसाब नहीं मांगेगा, वो सिर्फ गले लगाएगा। उसको ये पता चल गया कि ये क्या कर रहा है, आपे में आकर के पश्चाताप के साथ में यहां पर वापस आया। आमेन। यदि आज मैं और आप एक अच्छे पश्चाताप के साथ में अपने प्रभु के साथ में, सबसे पहले आंदोलन हमारा खुद का है, अपने अंदर की चीजें जो हमको लगती है कि ये सही नहीं है और परमेश्वर के राज्य में बढ़ने के लिए जाने के लिए एक रुकावट हो सकती है, तो सबसे पहले चीजें अपने अंदर की दूर करें। इससे पहले कि किसी के आंख के तिनके को देखें, हम अपने अंदर के उस बुराइयों को दूर करें ताकि वो दूर हो सके और हम आशीषित हो सके। मेरा विश्वास है कि ये वचन मुझको और आपको कुछ इसी तरीके से बातों को सिखाना कहता है। हे फरीसियों, तुम पढ़ाए, तुम पुदीने और सुधार का और सब भांति के साथ पात का दसवां अंश देते हो, परंतु न्याय को परमेश्वर के प्रेम में डाल देते हो। चाहिए तो था इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। कहता दसवां अंश तुम बड़े आसानी से निकाल देते हो, दुआ बड़े आसानी से कर लेते हो, बाइबल बड़े आसानी से पढ़ लेते हो, अपने घर को भी दुआ के खोल लेते हो, बड़े दान भी परमेश्वर के भवन के लिए कर देते हो, सब कुछ काम कर लेते हो, लेकिन जो परमेश्वर चाह रहा है कि अंदर का सिस्टम खूबसूरत हो जाए उसके लिए तुम्हारा कोई भी योगदान नहीं। उस चीज को सही कर लो तो दसवां छिट देते रहो और परमेश्वर के उस बड़े कार्य के हिस्सेदार भी बने रहो, तो परमेश्वर उन सारी बातों से खुश और प्रसन्न होगा। लिखा, हे फरीसियों, तुम पढ़ाए, तुम आराधनालय में मुख्य मुख्य आसन और बाजारों में नमस्कार चाहते हो, हाय तुम पर, क्योंकि तुम उन छिपी कब्रों के समान हो जिन पर लोग चलते हैं परंतु जानते नहीं। छिपी कब्र की कैसी है? एक ऐसी कब्र जिसके अंदर सड़ांग है, ऊपर से तो वो चूना पोती लग रही है, समझ में आ रहा सब कुछ ठीक है, बड़ा खूबसूरत साफ सुथरा दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर का सिस्टम कैसा है? गंदा। हमारे अंदर के सिस्टम को कोई नहीं पहचानता सिवाय मेरे। यदि मैं अपनी बुराई के अंदर किसी को इन्वॉल्व करना चाहूं तो मेरा हाल सामने वाला बंदा जान लेगा और उसके अंदर के हालात को मैं जान लूंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा पाप जिसको मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता वो कोई नहीं जानता, सिर्फ मैं। जैसे बाइबल कहती है, तुम एक कब्र के समान हो जिसके अंदर से उखड़ने पर सारी चीजें क्या हो जाती है, प्रकट हो जाती है। और यह प्रकटीकरण सिर्फ पवित्र आत्मा कर सकता है। आपको मालूम है बाइबल के अंदर जिक्र है कि किस प्रकार से आत्मा ने इस बात को जानते हुए कि प्रॉपर्टी का भाग तुमसे बेचने के लिए किसी ने नहीं बोला कि तुम परमेश्वर के भवन में उसके याचकों के चरणों पर लाकर के रख दो, लेकिन फिर भी तुमने करा यह दिखाने के लिए कि हम परमेश्वर के घर के लिए कर रहे हैं, लेकिन उसका हिस्सा तुमने छिपा लिया, कोई नहीं जान पाया था। यह पति और पत्नी की मिली भगत थी, कौन था बता सकता है जी? बिल्कुल ठीक है, पति पत्नी ने मिलकर के योजना बनाई थी कि हम ऐसा काम करेंगे किसी को पता तक नहीं चलेगा, लेकिन वो पवित्र आत्मा से छिपा नहीं पाए। पवित्र आत्मा से पवित्र आत्मा भेद खोलता है। पवित्र आत्मा क्या करता है? भेद खोलता है। और जब पवित्र आत्मा आता है ना तो चीजें उजागर होनी शुरू होती है। इसीलिए आज मुझको और आपको परमेश्वर के हर एक अंदाज से डरने की जरूरत है, क्योंकि वो सब कुछ जानता है और उससे कुछ भी छिपता नहीं है। इसलिए बाइबल के अनुसार लिखा है, इज़राइल पर परमेश्वर की दया तब हुई जब इज़राइल ने सारी चीजों को समझा
और जाना, क्या हम नाश हो जाएंगे? क्या हम त्याग दिए जाएंगे? बिल्कुल त्याग दिए जाएंगे यदि हम खुदा के कलाम के अनुसार नहीं चले, और यदि चले तो परमेश्वर बचा लेगा। लिखा हुआ है दूसरे राजा में, जो अपन ने जिक्र पढ़ा, कि जो इसराइल कौम के ऊपर विपत्तियां आई उसका कारण सिर्फ एक था कि उन्होंने परमेश्वर के वचन और उसकी आज्ञा का विश्वासघात किया, और कोई कारण नहीं था। दूसरा राजा उठा करके पढ़ लीजिए कि सिर्फ विश्वासघात था उनका, जिसके कारण यहूदा पर और इसराइल के ऊपर विपत्तियां आई, और परमेश्वर ने ऐसा होने दिया, परमेश्वर ने ऐसा होने दिया, क्योंकि सिखाने के तौर पर परमेश्वर हमेशा खड़ा है। ये नहीं चाहता कि नाश हो जाए, लेकिन कुछ चीजें सिखाता है कि सीख लें, उसके बाद में चीजें अपने आप धीरे धीरे करके लोगों को यदि समझ में आ गया तो ठीक है। मुसरी बेटे को उस समय नहीं रोका, जाने दिया, जाओ जाओ, और वो गया और उसने वहां सीखा कि ना दोस्त कुछ है, ना धन कुछ है, ना शान शौकत कुछ है, ना मित्रता कुछ है, यदि कुछ है तो मेरे बाप का घर, यदि कुछ सही है तो वो मेरे बाप का घर है जहां से आशीष मिलती है। जब वो रियलाइज कर लिया तो उठ करके वापस आ गया। तो इसलिए परमेश्वर इसराइल को हमेशा रियलाइज करवाता था, फिर वो वापस अपने पिता के पास लौट के आते थे। इसीलिए रोमियो की पुस्तक के अंदर लिखा हुआ है कि यहां पर क्या हुआ, इसराइल पर परमेश्वर की दया हुई। लिखा है, इसलिए मैं कहता हूं, क्या परमेश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग दिया? कदापि नहीं, मैं भी तो इसराइली हूं, अब्राहम के वंश और बिन्यामीन के गोत्र से हूं। परमेश्वर ने अपनी उस प्रजा को नहीं त्यागा जिसे उसने पहले ही से जाना। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र शास्त्र एलिया के विषय में क्या कहता है, कि वो इसराइल के विरोध में परमेश्वर से विनती करता है, हे प्रभु, उन्होंने तेरे भविष्यवक्ताओं को घात किया और तेरी वेदियों को उठा दिया, और मैं ही अकेला बचा हूं, और वे मेरे प्राण के भी खोजी हैं। परंतु परमेश्वर से उसे क्या उत्तर मिला, मैंने अपने लिए 7,000 पुरुषों को रख छोड़ा है जिन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं टेके। हर जगह ये उन तमाम अंधविश्वास के विरोध में परमेश्वर ने अपने लोगों को खड़ा करा और उनको संभाला और उनको बचाया। और कहता है, एलिया सोचा था मैं ही रह गया, सबसे अच्छा विश्वासी, सबसे अच्छा निपुण सीखने वाला और सिखाने वाला, बाकी तो सब मार दिए गए। प्रभु कहता 7,000 लोग ऐसे हैं जो अभी भी बचे हैं। आमेन। तो इसलिए हम में से कोई निपुण नहीं है, परमेश्वर के बहुत सारे सच्चे लोगों को परमेश्वर ने चुन करके रखा है, और वो प्रभु के उस कार्य को कर पा रहे हैं और कर रहे हैं, और परमेश्वर के राज को बढ़ा कर रहे हैं। आमेन। वो भीड़ बढ़ा रहे हैं और परमेश्वर के राज में भीड़ की भीड़ पहुंच रही है विश्वास करने के द्वारा। इसलिए मैं भी हूं मार्टिन लूथर के द्वारा एक बड़ा रिफॉर्मेशन हुआ, एक बड़ा कार्य हुआ जो आज स्मरण किया जाता है, आज याद किया जाता है। इसलिए हमको और आपको सारी चीजों को याद करने की जरूरत है, सारी चीजों को समझने की जरूरत है, ताकि हम हर एक बात को परमेश्वर के वचन के अनुसार सीखें, समझें और जानने पाए। परमेश्वर इस कलाम के द्वारा हम सबों को बड़ी बरकत दे और हम सबों को बड़ी आशीष दे। ये वचन हमारी जिंदगियों के अंदर घर करे और हमारे अंदर बड़े परिवर्तनों को लेकर के आए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष और बरकत दे। आमीन। दुआ करें। जीवित और समर्थ पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हम हृदय की गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको ये सुंदर अवसर दिया कि परमेश्वर हम आपके नाम को महिमा दे सके, आपकी तारीफ और आपकी प्रशंसा कर सके। आपने कहा, तुम मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। हमें प्रभु आपकी बुद्धि और आपकी सहायता और आपकी समझ, आपका ज्ञान, पवित्र आत्मा का सपोर्ट चाहिए घर पिता, ताकि उसके जरिए से हमारे हर पल की जिंदगी खूबसूरत और अच्छी और बेहतर हो जाए। आप दयावान परमेश्वर हैं, अपनी दया को प्रत्येक लोगों की जिंदगी के ऊपर बनाते हैं, और हम चाहते हैं कि कर्पिता उपस्थित सब लोग और तमाम मसीह समाज जो परमेश्वर कहीं ना कहीं
परमेश्वर के साथ बहुत मजबूत है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमियां उनकी जिंदगी के अंदर रह जाती हैं, और वो उनकी जिंदगी का वो पॉइंट है जिस बाड़े को परमेश्वर ने बांधा मेरे चारों, उस बाड़े को हम कहीं ना कहीं उसी कमजोरी के चलते एक ऐसा छोटा सा छेद कर देते हैं जिससे कि वो बाड़ा खुलने और बाड़ा टूटने का एक समय या एक माध्यम बन जाता है। आप दया करिए, अपनी बुद्धि को प्यार पिता दे करके हमको आशीष करिए, क्योंकि आपका कलाम कहता है जिसने बाड़े को खोला सर्प ने उसे डसा। हम आपसे दुआ करते हैं कि वो दुष्ट हमको डसने ना पाए, अपनी बातें हमारे अंदर डालने ना पाए, परंतु प्रभु यीशु का स्वभाव हमारे जीवन के अंदर आ जाए, ताकि हम उसकी इच्छा और उसकी मर्जी को अपनी जिंदगी से और कार्यों से निरंतर प्रकट करें और प्रभु को ऊंचा उठाते रहें। धन्यवाद परमपिता इस बात पे कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया। सारा आदर महिमा गौरव आपको देते हैं। दुआ के नाम में मांगते दया से सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन।